अगर आप वास्तु के अनुसार अपने नए घर में जाने की सही तारीख का चयन करते हैं तो यह पॉजिटिविटी और समृद्धि को आकर्षित कर सकता है। गृह प्रवेश या गृह प्रवेश समारोह के लिए गेस्ट लिस्ट का चयन करने से लेकर अंतिम समय में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए समय चुनना जरूरी है। 99 एकर्स ने आपके नए घर के लिए 2024 की सबसे शुभ पूजा की तारीखों और पहले से योजना बनाने के लिए वास्तु टिप्स की एक लिस्ट तैयार की है जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। गृह प्रवेश के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शुभ माना गया है। नए घर में प्रवेश करते समय सभी विघ्नों को हरने वाले और सुख सौभाग्य प्रदान करने वाले देवता भगवान गणेश, वास्तु देवता और पितरों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार नए घर में प्रवेश करते समय हमेशा अपना दायां पैर पहले रखना चाहिए। जब आप नए घर में कदम रखते हैं तो सौभाग्य लाने के लिए एक गृह प्रवेश पूजा या गृह प्रवेश समारोह एक अनुष्ठान रिचुअल है। यह अनुष्ठान आसपास के वातावरण को शुद्ध करने और घर और नए निवासियों को किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए किया जाता है। लोग अपने नए घर के लिए शुभ पूजा की तारीख तय करने और एक पुजारी को नियुक्त करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स का भी मेंशन करते हैं। आप एक पुजारी के बिना गृह प्रवेश पूजा कर सकते हैं, लेकिन सही तारीख चुनना जरूरी है। 2024 में बेस्ट गृह प्रवेश मुहूर्त नक्षत्र शुक्रवार, 12 जनवरी उत्तराषाढ़ा सोमवार, 22 जनवरी मृगशीर्ष सोमवार, 12 फरवरी उत्तरा भाद्रपद बुधवार, 14 फरवरी रेवती सोमवार, 19 फरवरी मृगशीर्ष सोमवार, 26 फरवरी उत्तर फाल्गुनी बुधवार, 28 फरवरी चित्रा गुरुवार, 19 फरवरी चित्रा सोमवार, 11 मार्च उत्तरा भाद्रपद सोमवार, 25 मार्च उत्तरा फाल्गुनी शुक्रवार, 12 अप्रैल रोहिणी मंगलवार, 23 अप्रैल चित्रा गुरुवार, 9 मई रोहिणी शुक्रवार, 17 मई उत्तरा फाल्गुनी सोमवार, 20 मई चित्रा गुरुवार, 23 मई अनुराधा शुक्रवार, 7 जून मृगशीर्ष। इसके अलावा सही मुहूर्त पर की गई गृह प्रवेश पूजा आपके नए घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है। ज्योतिष चार्ट का उपयोग करते हुए वैदिक ज्योतिषी गृह प्रवेश मुहूर्त के लिए शुभ तारीखें और समय सुझाते हैं। एक परफेक्ट मुहूर्त निर्धारित करने के लिए कई फैक्टर्स में से नक्षत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गृह प्रवेश उन कुछ शुभ अवसरों में से एक है जिसे हर कोई बेस्ट समय, तारीखों और अनुकूल नक्षत्रों में करना चाहता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी नया या शुभ कार्य हमेशा शुभ मुहूर्त के अनुसार ही शुरू करना चाहिए। यह अलग अलग नक्षत्रों और ग्रहों के परिवर्तन के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी रुकावट से बचने में मदद करता है। आपके नए घर के लिए गृह पूजा करने से पहले घर को नमक के पानी से पोछें और उस स्थान को शुद्ध करें। पोछा लगाने से पहले पानी में सिरका, नमक और अन्य चीजें भी डाल सकते हैं, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। घर के हर कोने में पोछा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पूजा के बाद परिवार और दोस्तों के लिए लंच या डिनर का आयोजन नई जगह में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे घर के मालिकों के लिए दिन को यादगार बनाने में मदद करते हैं। घर को खाली न छोड़े एक बार हवन और वास्तु पूजा पूरी हो जाने के बाद मालिक घर में जा सकते हैं। पूजा के बाद अगले 40 दिनों तक घर में हमेशा कोई न कोई होना चाहिए। घर में ताला या खाली नहीं होना चाहिए। शंख बजाएं गृह प्रवेश की पूजा करते समय। शंख बजाने से सभी नकारात्मक एनर्जी का खात्मा होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। नारियल फोड़े गृह प्रवेश पूजा के समय नारियल फोड़ना शुभ मानते हैं। यही कारण है कि कोई भी उद्घाटन समारोह में नारियल फोड़ना फलदायक रहता है। पूजा के लिए वेदी बनाएं। गृह प्रवेश पूजा जिस स्थान पर की जाती है उसके सभी कोनों में कलश रखते हुए 4 या 5 वेदियां बनाई जाती हैं। सप्त मातृका वेदी, नवग्रह वेदी, वास्तु वेदी, षोडश मातृका मुख्य होती है। आपको बता दें कि इन्हीं वेदी पर पूजा होती। इस चैनल में हर एक वीडियो आपके जीवन की मुश्किलों का सामना करने का हौसला देगी और समाधान बताएगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब